परवेज बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर मेरी उससे शादी, फिर मुझ में और जावेद में क्या फर्क रहा? दूसरी तरफ परवेज ने आज तक किसी को नहीं अपनाया और मैं उससे, नहीं, मैं नदीम को क्या मुंह दिखाऊंगी? मॉम, आप यहाँ खड़ी हैं? हाँ, वो मैं, तुम बताओ खाना खा लिया तुमने? अरे कहाँ मॉम, आपकी होने वाली बहू इतनी बातें करती है, खाने का सोचने नहीं देती। कितनी प्यारी है ननोशी, बस तुम्हारी जॉब हो जाए मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी फौरन। जॉब नहीं, बिजनेस। किसी की नौकरी गुलामी जैसी लगती है मुझे। अरे भाई, बिजनेस से पहले एक्सपीरियंस के लिए जॉब करने में कोई हर्ज तो नहीं है। और हाँ, तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट भी तो मैं ही करूंगी ना। वो शो बिजनेस में आना चाहती है, आप इसे प्लीज किसी तरह मना करते हैं। बेटा थोड़े दिन का शौक है, उसे पूरा कर लेने दो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन शौक पूरा करवा के छुड़वा दीजिएगा। ठीक है, शादी हो जाएगी तो छोड़ देगी। असीव। और हाँ, कि परवेज साहब का रोल अब खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा नहीं, वो शख्स हर मामले में टांग क्यों उड़ाता? प्लीज फिक्स दिस। असीव। आपने याद किया बाबा? हाँ बेटी, नौशी और नादरा का कुछ पता चला? सुभान अल्लाह, चंद रोज पहले ही उनका नंबर मिला और आज आपने उनके बारे में पूछ लिया। कैसे? दिल में जो रहती हैं हम बाप बेटी के। आपकी भी बात करवाऊंगी उनसे। हाँ, किसी को पता न चले, उस पहुंच को भी नहीं। चुपके से।